तारों का आंगन होगा, झिम झिम बरसता सावन होगा, झिम झिम से तारों का आंगन होगा, झिम झिम बरसता सावन होगा। क्यों अंतर दिया है सतयोग मैं धूला तो त्रेता की दुल्हन प्रयास कर रहा हूं। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, वही दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, उस दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, उस दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, उस दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, वही दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन हमारे लिए आगमन होगा, उस दिन हमारे लिए पावन होगा। तो कहना है एक युग छोड़कर दूसरे युग की जोड़ी मिलाना है। तो त्रेता में राम जी से लगन ये लगाई थी, सावे त्रेता में राम जी से लगन ये लगाई थी, ओ त्रेप्राटा यत्र कोटा मने मूरत बसाई थी, कोटा मने मूरत बसाई थी, यत्र कोटा मने में मूरत बसाई थी, तेरे कोटा मने मूरत बसाई थी, तेरे कोटा मने में मूरत बसाई थी। भगवान राम त्रेता में तो यहाँ कलयुग में लगन लगाए बैठी है त्रिकुटा कि कब भगवान आएंगे, वो हमारा उनका मिलन होगा। वहां त्रेता वो यहां कलयुग जय हो। त्रेता में राम जी से लगन ये लगाई थी, त्रिकुटा मन मूरत बसाई थी, बसाई थी, तेरे गोटा मने मूरत बसाई थी। तब उनका और हमारा मिलन होगा, तब उनका नह कलंक अवतार कहां अब्बल देश मुरादाबाद में एक ब्राह्मण की 9 साल की बच्ची के गर्भ से, अभी से बताए दे रहा हूं इस कलयुग का। वह 24वां अवतार होगा। तो वो दिन हमारे लिए, तो वो दिन हमारे लिए अति पावन होगा, वो दिन हमारे लिए अति पावन होगा, वह दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन हमारे लिए आगमन होगा, उस दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, वह दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आगमन होगा।
दूसरी बात केवल गीत का जवाब है। दूल्हा बने गए राम, दूल्हा बने राम से अरज लगाई है, सखियां बन गई। दूल्हा बन गए राम से अरज लगाई है और सखियां बन गई गोपियां, दूल्हा किसने कन्हाई है। दूल्हा बन गए राम अरज लगाई है, सखियां बनी गोप दूल्हा कन्हाई है। मेघों से बरसता सावन होगा, मेघों से बरसता सावन होगा, वही दिन हमारे लिए पावन होगा। मेघों से बरसता सावन होगा, वही दिन हमारे लिए पावन होगा। जिस दिन प्रभु का आवन होगा, वही दिन हमारे लिए पावन होगा। तो भैया के